चीन के गांसू प्रांत के लांझू शहर में एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर शनिवार देर रात एक के बाद एक 31 वाहनों के भिड़ने और उसके बाद लगी आग से 15 लोगों की मौत हो गई। 44 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा एक बेकाबू ट्रक की वजह से हुआ। टोल टैक्स चुकाते वक्त ड्राइवर ट्रक को संभाल नहीं पाया और कारों की लेन में घुस गया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कारें एक दूसरे में इस तरह भिड़ गईं कि लोग इसमें से निकल ही नहीं पाए। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले हफ्ते बस के नदी में गिरने से गई थी 13 जाने। 28 अक्टूबर को दक्षिण चीन के चोंगकिंग शहर में एक बस में महिला यात्री और ड्राइवर के बीच हाथापाई हो गई थी, जिससे बस बेकाबू होकर 230 फीट गहरी यांजे नदी में गिर गई थी। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी।